हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम आजकल हिमालयन रिवर सिस्टम कर रहे हैं। अभी तक हमने दो रिवर सिस्टम, एक रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, वो था इंडस रिवर सिस्टम, और हम सेकंड रिवर सिस्टम कर रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था गंगा जी और उनकी ट्राइब्यूटरीज जो उत्तराखंड में हैं, जो वहाँ तक लिमिटेड हैं, तो मैंने आपको उनके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको गंगा की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है यमुना जी, तो उनके बारे में बताऊंगा। नॉट ओनली यमुना रिवर बट ऑल्सो ऑल द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, जिनसे मिलके यमुना रिवर सिस्टम बनता है। हम आज पूरा यमुना रिवर बेसिन में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। हम यमुना रिवर जो है उत्तराखंड में, जो जगह है, चार धाम हैं हमारे पवित्र धाम, उनमें से एक यमुनोत्री से निकलती हैं। एक्चुअली ज्योग्राफिकली यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, बंदरपुछ या बंदरपुछ कह सकते हैं हम, बंदरपुछ ग्लेशियर है, एक बंदरपुछ पीक का नाम भी है। उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, गढ़वाल हिमालय में, वहाँ से निकलती हैं। फिर वहाँ से यमुना जो है उत्तराखंड से चलते हुए फ्लो करते हुए फिर ये एंटर करती हैं थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए हिमाचल प्रदेश में। एक हिंदुओं और सिखों के लिए एक पवित्र जगह है, एक तीर्थ स्थल है पौंटा साहब। तो वहाँ से होते हुए फिर वो एंटर कर जाती हैं हरणा में। एक्चुअली सिर्फ हरणा में नहीं, हरणा और यूपी की बाउंड्री बनाती हैं ये। फिर वही हरणा से होते फिर चली जाती हैं रिवर ये दिल्ली से, फिर ये एंटर करती हैं ये यूपी में। तो यूपी में फिर वो आगरा वगैरह से होते हुए, सदर्न यूपी से होते हुए गंगा जी के पैरेलल चलते 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 ये अल्टीमेटली जो प्रयागराज है हमारा, वहाँ पे गंगा से मिल जाती हैं ये। ये देखिए, ये यमुनोत्री है, इसके पीछे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से रिवर आ रही है। ये जगह यमुनोत्री है, यहाँ से रिवर आते हुए, इसके बैंक पे दिल्ली भी है, आगरा भी है, हालांकि हमने अब बहुत पोल्यूट कर दिया है इस रिवर को। कई जगह पता ही नहीं चलता कि ये रिवर है कि गंदा नाला है। ये भी एक आयरनी है, थोड़ा कभी बुरा भी लगता है कि जिस देश में रिवर को पूजा जाता है, उनकी उन्हें माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उसी देश में रिवर्स का क्या हाल हो गया है। दिल्ली में तो आपने अभी कुछ टाइम पहले की फ़ोटोज़ देखी भी होंगी कि रिवर में इंडस्ट्रियल फोम आ रहा है। तो अब जिसको पता नहीं है उसको यमुना रिवर दिखा दें कि ये रिवर है, वो रिवर और नाले में फ़र्क नहीं पहचान पाएगा। ये एक आयरनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, यमुना फिर यहाँ से यूपी से जा रही हैं, और ये जगह इलाहाबाद, जिसका नाम आजकल प्रयागराज हो गया, ये हमारा प्राचीन नाम, एंशियंट नाम प्रयागराज ही था। ये जगह संगम है जहाँ पर वो गंगा जी से आके मिल जाती हैं। ये भी हमारी एक कॉलोनियल लेगेसी है कि हम गंगा को गंजेज लिखते हैं। ये पता नहीं इस गंगा को गंगा लिखने में क्या हर्ज है। एनीवे, अब यमुना रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की। यमुना की इट्सेल्फ काफ़ी ट्राइब्यूटरीज हैं, उनमें जो सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है वो है चंबल। चंबल नाम किसी ज़माने के अंदर एक डर का प्रतीक था कि चंबल जो बेसिन है उसमें बीहड़ थे, चंबल एरिया में डाकू थे काफ़ी, कोई ज़माना था, क्योंकि चंबल का एरिया जो है किसी टाइम में, चंबल का जो बेसिन रहा है वो एरिया, वहाँ पानी की कमी थी। हालांकि रिवर है लेकिन रिवर का पानी सब जगह यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो, तो ड्राई एरिया था, इरीगेशन फैसिलिटी थी नहीं, इतनी फर्टाइल लैंड था नहीं, बीहड़ है, और जो बीहड़ मतलब कि वहाँ पर गली इरोजन हुआ हुआ है, जो मिट्टी जगह जैसे कटी हुई है, तो वहाँ पर खेती करना आसान नहीं था, तो लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो उसी के चलते तो वहाँ पर ये डाकू बनने शुरू हुए। ठीक है, जैसे कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने कि वो डाकुओं को बागी कहते हैं, सिस्टम के अत्याचारों से कहते हैं ना कि वो बागी बने हैं। एनीवे, तो चंबल आजकल वैसा बुरा नाम नहीं है, आजकल तो चंबल रिवर के आसपास काफ़ी अच्छी खेतीबाड़ी हो रही है, पानी को डिफरेंट तरीके से खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, अब स्थितियां जो हैं बदल चुकी हैं। फिर चंबल की इट्सेल्फ एक ट्राइब्यूटरी है काली सिंध, पार्वती, राइट, एक ट्राइब्यूटरी है इसकी बनास,
एक्चुअली दो रिवर हैं बनास नाम से, एक रिवर है बनास जो वेस्ट में जाती है गुजरात में, एक ये रिवर है ये है ईस्ट बनास, ये भी राजस्थान से आ रही है और ये चंबल में यहाँ पे आके राजस्थान में मिल जाती है। ये ईस्ट बनास है, वेस्ट बनास नहीं है। ये एक्चुअली बनास नाम से दो रिवर्स हैं, वेस्ट बनास एंड ईस्ट बनास। फिर यमुना की एक और ट्राइब्यूटरी है सिंध, एक ट्राइब्यूटरी है फेमस बड़ी ट्राइब्यूटरी है बेतवा, एक है केन। केन हो, बेतवा हो, सिंध हो, ये अल्टीमेटली जाके यमुना में, यूपी के अंदर यमुना में जाके डायरेक्ट मिल जाती हैं। चंबल भी यूपी में जाके मिलती हैं यमुना में, फिर वहाँ से यमुना आगे जाके प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती हैं। तो हम इन सब ट्राइब्यूटरीज, क्योंकि जितना ये ग्रीन एरिया दिया हुआ है, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये चंबल रिवर बेसिन है, चंबल रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा। अब हमने उनकी ट्राइब्यूटरी डिस्कस करनी है, जहाँ जहाँ पॉसिबल उनकी ट्राइब्यूटरीज की ट्राइब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यमुना की ट्राइब्यूटरी चंबल है, तो चंबल के आगे ट्राइब्यूटरीज वो भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको पहले कि चार धाम उत्तराखंड में हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो यमुनोत्री भी एक बहुत पवित्र धाम है। यमुना जी जो हैं उन्हें भगवान सूर्य की बेटी कहा गया है, वो शनि देव की बहन है, यम देवता यमराज की बहन है। तो कहते हैं कि यमुना जी में अगर स्नान आप करते हैं तो आपके पाप खत्म हो जाते हैं। एक और कंसेप्ट है हमारे धाम का, चार डायरेक्शंस हैं, चार धाम हैं। एक बद्रीनाथ धाम है सतयुग के, एक त्रेता युग के जिस युग में भगवान राम हुए थे, रामेश्वरम धाम है तमिलनाडु में। द्वापर युग में जिसमें भगवान कृष्ण हुए थे, तो वहाँ वो वाला द्वारका धाम है। और कलयुग का जो धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी को माना जाता है। जगन्नाथ, जगन्नाथ की रथ यात्रा से आप वाकिफ होंगे, आपको शायद पता होगा जगन्नाथ जो वर्ड है, जो रथ चलता है, बड़ा रथ जो बनता है, उसी से एक इंग्लिश में वर्ड आया है जगरनॉट। वो जगरनॉट जो है वो वर्ड जगन्नाथ से ही आया हुआ है। एनीवे चार धाम है, चार युगों के नाम से हर डायरेक्शन में है। सत्य बद्रीनाथ नॉर्थ में है, रामेश्वरम साउथ में है, द्वारका वेस्ट में और पूरी ईस्ट में है। अब हम डिस्कस करते हैं यमुना पे जो मेन मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। यमुना पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो ये एक मेन प्रोजेक्ट यमुना पे है, लखवार व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अंडर जो है चार डैम्स बनने हैं, चार प्रोजेक्ट होने हैं इसके अंडर ही, इस प्रोजेक्ट के अंडर। एक है लखवार डैम, ये एक डैम है, डैम पे ही पावर प्रोजेक्ट है, फुल फ्लेज डैम है, डैम पे रिजर्वायर है। एक फिर व्यासी डैम है, ये भी एक पावर प्रोजेक्ट है, हथियारी पावर प्रोजेक्ट है, बट ये यहाँ डैम नहीं है, यहाँ पे रन ऑफ पावर प्रोजेक्ट है ये। अब डैम और रन ऑफ में क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। जो चौथा प्रोजेक्ट है लखवार व्यासी के अंडर, वो है कटा पत्थर बैराज वाटर स्टोरेज। ये सिर्फ वाटर स्टोर करने का है, ना तो यहाँ बिजली बनती है, ना ये रन ऑफ प्रोजेक्ट है, ये वाटर स्टोर करने के लिए है। एक्चुअली है क्या, आबादी बढ़ती जा रही है, दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम दिल्ली और NCR एरिया देखें तो दिल्ली वाले एरिया को बहुत पानी की रिक्वायरमेंट आजकल है बढ़ती आबादी से। तो दिल्ली को पानी देने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, उसकी फ्यूचर की नीड्स पूरी करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचे हैं। उनमें से पहला प्रोजेक्ट ये वाला है लखवार व्यासी। इसका पानी जो है दिल्ली को पहुंचाया जाएगा, यमुना जी का पानी वहाँ पहुंचाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में यमुना तो ख़त्म हो चुकी है, वो तो खैर पानी कौन पिएगा उस पानी को। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पानी को दिल्ली लेके जाएंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ प्रपोज्ड हैं, कुछ बन चुके हैं, तो हम उनको भी वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ये प्रोजेक्ट है यमुना पे है लखवार व्यासी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अंडर ये चार प्रोजेक्ट्स हैं, लखवार डैम, व्यासी डैम, हथियारी पावर स्टेशन, यहाँ डैम नहीं है, रन ऑफ पावर प्रोजेक्ट है, और कटा पत्थर बैराज।
यहाँ कोई डैम नहीं है, ना ही यहाँ पे ऑनऑफ प्रोजेक्ट है, सिर्फ ये वाटर स्टोरेज के लिए है। ये है लखवार व्यासी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंदर। अब हम देखते हैं कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे एक ये रिवर है गिरी रिवर, ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत छोटी रिवर है बट इसकी इम्पॉर्टेंस अब काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसी रिवर का पानी हिमाचल प्रदेश में इस पर एक प्रोजेक्ट बना के हम पहुँचाएँगे दिल्ली को। फिर एक ये टोंस रिवर है, कहते हैं कि टोंस रिवर में पानी जितना है वो यमुना से भी ज़्यादा है उत्तराखंड के अंदर, ये भी कमाल की चीज़ है। फिर एक ट्रिब्यूटरी हिंडौन रिवर है यमुना की। फिर बाकी मैं बता चुका हूँ आपको कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन सब हम ट्रिब्यूटरीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम टोंस रिवर, हिंडौन रिवर, चंबल रिवर मैंने अभी दिखाया था आपको, केन, सिंध, बेतवा, तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है टोंस, ये उत्तराखंड से निकलती है रिवर, बहुत सुंदर रिवर है ये वाली। इस पर अगर आपको वाइट वाटर राफ्टिंग का शौक है तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहां वाइट वाटर राफ्टिंग होती है ये वो जगह है टोंस रिवर। ये भी यमुना जी के पास से निकलती हैं, नियर बंदरपुंछ पीक से, और ये यूके में ही यमुना से मिल जाती हैं देहरादून के पास। ठीक है, एक ना इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है, माइथोलॉजिकल चीज़ है। कहते हैं कि एक विलेज है मोरी उत्तराखंड में, तो मोरी विलेज के लोग जो लोग हैं वो महाभारत के टाइम पे वो कौरवों के साथ थे, पांडवों के साथ नहीं थे। तो जब कौरव हार गए तो वो फूट फूट के रोए थे वो, तो कहा जाता है कि उन्हीं के आंसुओं से ही टोंस रिवर बनी है ये। हालांकि ये लेजेंड है, ज्योग्राफी में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, बट ये कहा जाता है, ये एक लेजेंड है वहाँ पे। तो टोंस रिवर जो है इट्स अ क्रिएशन ऑफ देयर अनस्टॉपेबल टीयर्स, जो रुके नहीं आंसू। अब टोंस की इट्सेल्फ दो ट्रिब्यूटरीज हैं, पब्बर एंड असन, राइट। ये बताने का पर्पज़ है, जो टोंस मैं क्यों बता रहा हूँ डिटेल में आपको इतना, क्योंकि टोंस के बारे में एक जियोलॉजिकल थ्योरी है। अगर आप ये टोंस का मैप देखें तो ये जा तो रही थी साउथ वेस्ट के अंदर, फिर ये साउथवर्ड टर्न ले गई है, राइट। साउथ वेस्ट में जा रही थी, फिर एकदम से साउथ टर्न ले लिया इसने इधर जाते हुए। कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी एक थ्योरी है कि टोंस रिवर जो है पुरानी शायद सरस्वती रिवर है, ये वेस्ट की ओर फ्लो कर रही थी, बाद में यहाँ पे जियोलॉजिकल मूवमेंट हुई, यानी यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई हैं, तो ये वाला हिस्सा जो था जहाँ से टोंस जा रही थी वो वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। अब सपोज टोंस यहाँ से जा रही हैं इधर जा रही हैं, तो अगर ये रिवर ये वो ऐसे हिस्सा उठ जाएगा टेक्टोनिक मूवमेंट से, पहाड़ बन जाएगा, तो टोंस के पास कोई रास्ता कोई है ही नहीं है, तो टोंस यहाँ से जाना बंद हो जाएंगी, इधर से निकल जाएंगी फिर वो। तो बाद में टोंस जो है जो एक अपना अलग इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम था अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, और फिर बाद इस मूवमेंट के बाद में पहाड़ बनने के बाद में टोंस फिर इधर से मुड़ गई और यहाँ पे आके वो यमुना की ट्रिब्यूटरी बन गई फिर वो। अब कुछ लोग जो जियोलॉजिस्ट हैं बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ, इस पर रिसर्च चल रही है, तो इसकी लिमिटेशन भी हैं थ्योरी की, कुछ से मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। देखना, सम एक्सपर्ट्स हैव रेज डाउट्स ऑन दिस थ्योरी। अब मैंने अभी बताया था आपको कि दिल्ली को पानी पहुंचाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। एक मैंने आपको बताया अभी आपको लखवार व्यासी वाला। सेकंड प्रोजेक्ट जो है वह है किशाऊ डैम, जो यहाँ बनेगा, इस जगह प्रपोज्ड है। ये दो स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट होगा। ये जगह दिख रही है ये उत्तराखंड है, ये जगह दिख रही है आपको ये हिमाचल है, यहाँ पे ये किशाऊ डैम जो है ये प्रपोज्ड है। ठीक है, अब वही बातें हैं, एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंट की कंसर्न्स भी हैं, लोगों की डिस्प्लेसमेंट की कंसर्न्स भी हैं, बायोडाइवर्सिटी वाली कंसर्न्स भी हैं, बट कह रहे हैं कि अब डैम कुछ टाइम यहाँ बन जाएगा। ये किशाऊ डैम है, ये जॉइंट वेंचर है, ऑब्वियसली किसका होगा ये,
उत्तराखंड एंड हिमाचल, बिल्कुल बाउंड्री पे ही है। दिस वाटर फ्रॉम किशाऊ रिजर्वायर शैल बी यूज फॉर इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर नेशनल कैपिटल दिल्ली। राइट, दिल्ली को बहुत प्यास लगी है, आबादी बहुत है। हमारा विकास का, हमारा डेवलपमेंट का मॉडल यही है कि आप कुछ शहरों को इतना डेवलप कर दो कि पूरी कंट्री से लोग वहीं भागे हुए आए। वो मतलब ये सिस्टम में तो समझ में नहीं आया। उससे शहरों पे दबाव बढ़ता जाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, हल निकल ही नहीं सकता उसका कोई भी, जब तक हम इस डेवलपमेंट के मॉडल को चेंज नहीं करेंगे। फिर जो नेक्स्ट रिवर है वो है गिरी रिवर, मैंने अभी दिखाया था आपको, अभी टोंस रिवर के साथ थी गिरी रिवर एक, ये देखिए ये है गिरी। ये हिमाचल प्रदेश में रिवर है गिरी। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिरी रिवर, पैसे ये निकलती है रिवर, एक एरिया है कोटखाई जो अपने एप्पल्स के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है जुब्बल लेक है कोटखाई, जुब्बल कोटखाई को हम अपर शिमला कहते हैं, जहाँ के एप्पल्स काफ़ी फेमस है। तो कोटखाई एरिया हिमाचल प्रदेश रिवर निकलती है ये, और फिर ये यमुना में जाके डिस्ट्रिक्ट देहरादून में मर्ज हो जाती हैं गिरी। बट गिरी की इम्पोर्टेंस क्या है मैंने बताया अभी ना, कि इस पर अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है, अभी वो बनना शुरू होगा। ददाहू जगह है एक हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका जी के पास। रेणुका जी वो जगह है जो, रेणुका जी जो है वो भगवान परशुराम उनकी माता जी का नाम है। तो कहते हैं रेणुका जी में हर साल जो है भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने आते हैं, उन्हीं के नाम से रेणुका जी लेक भी है वहाँ पे। तो उसी जगह के पास में रेणुका जी डैम बनेगा ये। इसका ये डैम जो है इसमें कई स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। जहाँ बनेगा डैम गिरी रिवर पे वो हिमाचल प्रदेश है। तो इन सारी स्टेट्स को ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होगी। ऑब्वियसली पावर प्रोजेक्ट्स है तो पावर तो जनरेट यहाँ होनी ही होनी है। तो कहते हैं शायद ये 2025 तक पूरा हो जाए प्रोजेक्ट वाला, और ये गिरी रिवर पे है, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। उसके बाद जो मेन ट्राइब्यूटरी हैं यमुना की वो है चंबल रिवर, बहुत कमाल की रिवर है, थोड़ा डर ज़्यादा है इस रिवर का, लेकिन रिवर बहुत ह्यूज रिवर भी हैं। और अभी कुछ टाइम पहले तक ये अमंग द लीस्ट पोल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया थी, क्योंकि यहाँ शहर कम थे, इसके आसपास इंडस्ट्रीज़ कम थी, तो वाटर की प्योरिटी मेंटेन थी, तो यहाँ के अंदर यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच थी। बट अब पता ही है आपको, कोई रोक नहीं सकता इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को और अल्टीमेटली रिवर्स के पोल्यूशन को, तो शुरुआत हो चुकी है उसकी भी। ये कितना शानदार एरिया है चंबल रिवर का, ये कोटा के पास का एरिया है। जनरली लोग इतना सुंदर समझते नहीं है चंबल को, लेकिन चंबल काफ़ी अच्छी रिवर है, काफ़ी सुंदर रिवर है ये। चंबल जो है निकलती कहाँ से है, चंबल का सोर्स है मध्य प्रदेश में मऊ, एक प्लेस है मऊ नाम का, मतलब है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। एक इस ज़माने में बड़ी छावनी थी, कैंटोनमेंट था, अभी भी है, गोरो ने बनाया था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। तो उसका जो एक्रोनिम है ये वाला MHOW है ये। एक मऊ सिटी यूपी में है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इंदौर के पास मऊ कैंटोनमेंट है विंध्याचल रेंज से, वहाँ से रिवर निकलती है ये चंबल। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इंदौर के पास मऊ से यहाँ से रिवर निकलती हैं, यहाँ से होते हुए ये आपको रिजर्वायर कुछ दिख रहे हैं, ये तीन डैम हैं चंबल रिवर पे। तो यहाँ से चंबल रिवर जो आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश की बाउंड्री से होते हुए यूपी में आके मिल जाती हैं यहाँ पे यमुना रिवर से। तो ये वो प्लेस है, ये वाला एरिया है विंध्याचल रेंज मऊ के पास। चंबल की जो इट्सेल्फ ट्राइब्यूटरी हैं कालीसिंध, ईस्ट बनास,
पार्वती, मेज, शिप्रा। काली सिंध, ईस्ट बनास, मेज, शिप्रा। ये देखिए, ये पार्वती रिवर है, ये काली सिंध है, और एक ये कूनो रिवर, बहुत स्मॉल सी रिवर है, सीजनल रिवर है, कूनो पालपुर। अभी कुछ टाइम में ये मशहूर होने वाला है, क्योंकि हम जो चीते लेके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से, उन जो चीतास को अफ्रीका से जो लेके आ रहे हैं, उनको यहाँ पे रिहैबिलिटेट करेंगे, यहाँ बसाएंगे उनको। तो कहते हैं पीएम भी जाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कि कितना प्रोजेक्ट कामयाब होता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रे करना चाहिए कामयाब हो, क्योंकि चीते जो हैं वो, जो उसका नाम चीते का है, चीता, चीता वर्ड जो नाम है वो चकता से बना है, कि जिसकी बॉडी में चकते होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। पहले कई चीते हमारे पास थे, वो सब हमने शिकार करके ख़त्म कर दिए। एनीवे, तो ये पार्वती रिवर, काली सिंध, फिर एक शिप्रा रिवर इसमें दिखाई नहीं हुई है, वो भी चंबल की ट्राइब्यूटरी है। ईस्ट बनास, सब ये वन बाय वन डिस्कस मैं कर रहा हूँ सब। हाँ, चंबल जो है एक एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है। चंबल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे बोलते हैं नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घड़ियाल इंडिया में जो एलिगेटर का जो किस्म है, उसमें घड़ियाल होता है, उसकी लंबा सा मुंह होता है उसका, वो क्रोकोडाइल नहीं है, इसका मुंह लंबा होता है वो काफ़ी, ठीक है। हालांकि ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस भी इतना ख़तरनाक नहीं है ये, जितना मतलब कि क्रोकोडाइल रहता है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम जो घड़ियाल हैं वो चंबल रिवर में है। फिर कुछ घड़ियाल अभी कुछ टाइम पहले छोड़े गए थे गंडक रिवर बिहार में, अब वो भी काफ़ी बढ़ रही है। तो नंबर टू आता है गंडक रिवर में घड़ियाल। फिर एक जगह है महानदी रिवर, उसमें भी काफ़ी घड़ियाल हैं, लेकिन चंबल घड़ियाल फेमस है काफ़ी, क्योंकि मैक्सिमम घड़ियाल चंबल फेमस ही घड़ियाल के लिए है बेसिकली। ये देखिए, इसका ये लंबा सा मुंह रहता है घड़ियाल का, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, छोटा मुंह होता है उसका। चंबल पे अब तीन प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये डिस्ट्रिक्ट मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे है। अगर हम ऐसे मैप बनाएं मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे है मंदसौर इस जगह में। तो यहाँ गांधी सागर है, फिर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर यहाँ पे है, इस एरिया में है। यहाँ पे है गांधी सागर एमपी में, जवाहर सागर कोटा के पास है, राणा प्रताप सागर वो भी रावत भट्टा कोटा के पास है। रावत भट्टा वो जगह है जहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो चंबल इस तरह से रिवर जा रही है, राइट। तो ये तीन मेन प्रोजेक्ट हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। आई थिंक मैंने अभी आपको दिखाया था, इस पे तीन रिजर्वायर बने हुए थे। ये देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, और इसके साथ में एक है राणा प्रताप सागर। तीनों इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो राजस्थान में हैं और एक जो गांधी सागर है वो एमपी में है। इसके बाद रिवर शिप्रा। शिप्रा बहुत फेमस रिवर है हिंदू धर्म के अंदर, इसका पुराणों में, हिंदू प्राचीन ग्रंथों में बहुत जिक्र आया है। शिप्रा रिवर निकलती है मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज से, एक जगह है धार, धार एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है धार, वहाँ से निकलती हैं। फिर वहाँ से इनके बैंक पे बड़ा फेमस सिटी है उज्जैन। तो उज्जैन वो जगह है, उन चार जगह में से एक है जहाँ पे 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है। तो यही शिप्रा रिवर की इम्पोर्टेंस शो कर देगा आपको। शिप्रा रिवर के बैंक पे ही भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जो थे, उन्होंने बचपन में संदीपनी आश्रम में, संदीपन ऋषि जी के आश्रम में पढ़ाई की थी। जैसे गंगा जी के बारे में कहते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी जो रिवर है मध्य प्रदेश, उसके बारे में बोलते हैं कि वहाँ पे आप स्नान करते हैं, उन्हें प्रणाम, उनकी पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, ठीक है। शिप्रा में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है, ये कहा जाता है। इसलिए शिप्रा जी के बैंक पे भी कुंभ, महाकुंभ होता है। कुंभ इंडिया में चार जगह होता है, एक प्रयागराज में,
इसे महाकुंभ कहते हैं। एक होता है हरिद्वार में, तीसरा शिप्रा बता दिया मैंने आपको, और चौथा जो है गोदावरी में, नासिक के पास, गोदावरी रिवर पे, नासिक में। गोदावरी को बोलते भी हैं बूढ़ी गंगा और साउथ की गंगा, ठीक है। शिप्रा, इनके बारे में चीज़ें और ही बड़ी फेमस हैं। शिप्रा के बारे में कहते हैं कि जो आपने शायद सुना होगा, एक बड़ा फेमस, क्योंकि कालिदास उज्जैन के पास के थे, तो एक बुक है मेघदूतम कालिदास की, तो उसमें शिप्रा को काफ़ी ज़्यादा उसमें उनकी उसकी महिमा लिखी गई है, ठीक है। ये उज्जैन है शिप्रा के बैंक पे, महाकाल की धरती है उज्जैन। फिर एक रिवर है ट्राइब्यूटरी जो है चंबल की, वो है काली सिंध। काली सिंध का ओरिजिन होता है विंध्यांचल रेंज मध्य प्रदेश में, अगेन फिर ये एमपी से होती हुई राजस्थान में जाके चंबल रिवर मिल जाती हैं। काली सिंध, इस पर एक इरीगेशन प्रोजेक्ट है, डैम है एक, झालावाड़। झालावाड़ जगह है, ये राजस्थान के ईस्ट में है। झालावाड़ और बारा, ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम बोलते हैं हड़ौती एरिया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, तो उस एरिया को हम बोलते हैं हड़ौती एरिया। ये नाम था इसका हाड़ावती, दूसरे नाम ही हड़ौती हो गया है ये, तो उस एरिया, उस रीजन के नाम, उस रीजन में एक प्लेस है झालावाड़। इस रिवर को एक कालिदास की बुक है मालविका अग्निमित्रम, ये मालविका और अग्निमित्र मित्र, मालविका पटना की राजकुमारी थी, अग्निमित्र जो थे वो भी एक राजकुमार थे मालवा एरिया के, तो उनकी लव स्टोरी है मालविका अग्निमित्रम, उसके अंदर ही मेंशन किया है काली सिंध रिवर को। एक बहुत फेमस बैटल है जिसमें वसुमित्र की लड़ाई हुई थी, किंग की ग्रीक्स के साथ, में वसुमित्र ने ग्रीक्स को हराया था, उसमें भी काली सिंध रिवर का मेंशन है। वो एक बहुत कमाल की जगह, ये फोर्ट दिख रहा होगा आपको, बड़ा गजब का फोर्ट है सारा ये, ये देखिए ये सारा लोकेशन बहुत कमाल की है इस फोर्ट की। ये दो रिवर्स के बैंक पे है, काली सिंध एंड अहू, बहुत कमाल का फोर्ट है। और ये जो हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं उसमें से ये फोर्ट जिसको बोलते हैं गगरौन का फोर्ट, बड़ा वो भी इसमें इंक्लूड है। वो अब यहाँ टूरिस्ट का जाना शुरू हुआ है, पहले इतना नहीं जाते थे, लेकिन बड़ा कमाल का किला है, जब भी आपको मौका मिले इसे ज़रूर देखें आप जाके। राजस्थानी खैर धरती का इंच इंच कोना कोना जो है शौर्य से, बलिदान से, त्याग से भरा पड़ा है। राजस्थान का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास में। ये देखिए, इट वॉज बिल्ट बाई बीजल देव सिंह डोड, वो राजपूत किंग थे 12th century में। बाद में टाइम टाइम पे कई जो आसपास की मुस्लिम रूलर्स से और शेरशाह सूरी और उसमें बाद में अकबर, उनके टाइम पे उनके कब्जे में भी रहा है ये, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत शानदार है, इसलिए बना भी बहुत अच्छा हुआ है किला ये। अब शायद आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट चलता आ रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से, कि वो कहते हैं कि इंडिया में दो तरह के रिवर्स हैं, एक जिनमें पानी बहुत है क्योंकि ग्लेशियर से आ रही है, एक में पानी कम है क्योंकि जो सीजनल रिवर्स हैं, तो जो पानी ज़्यादा तो उसमें फ्लड्स काफ़ी आते हैं, कई जगह ड्राई रह जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट था कि आप ना रिवर्स को जोड़ दीजिए, इंटरलिंक कर दीजिए। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में और उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो वो जो इंटरलिंकिंग है जिसमें आप दिख रहे होंगे इंटरलिंकिंग, आप चीज़ें आपको दिखा रखी हैं रेड रेड कलर से, तो ये प्रपोज्ड है, तो ऑब्वियसली इसका प्रोटेस्ट तो होना ही है। बड़े कंसर्न्स हैं एनवायरनमेंट को लेके हैं, इसके फाइनेंसिस को लेके हैं, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, 8-10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है तो। एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न्स हैं, बायोडाइवर्सिटी वाले कंसर्न्स हैं, बहुत कंसर्न्स इसके हैं, लेकिन 2-3 जगह हैं जहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। तो उसी में एक प्रोजेक्ट है काली सिंध और पार्वती को जोड़ेंगे ये, और केन और बेतवा को जोड़ेंगे आपस में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे। काली सिंध, पार्वती, केन एंड बेतवा, जो बताया ये केन, ये है अपनी रिवर काली सिंध। तो
तो इसको जोड़ेंगे पार्वती के साथ। अगर आपने देखा होगा, अब एक रिवर दिखाई थी पार्वती, ये तो काली सिंदर पार्वती को जोड़ने का स्कीम है। अभी ये एक योजना है, इस पर काम चल रहा है, इसकी रिपोर्ट बन रही है अभी। फिर पार्वती रिवर, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती हैं। फिर वही हड़ौती एरिया में, हड़ौती वाला जगह है बारह, हड़ौती में एक जगह है बारह, एक डिस्ट्रिक्ट है बारह झालावाड़ के पास, वहाँ पे चंबलें मिल जाती हैं पार्वती रिवर। फिर एक ईस्ट बनास में दिखा, स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, ईस्ट बनास राजस्थान से निकलती हैं, सीजनल रिवर हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं गर्मियों के टाइम में। एक बड़ा कमाल का फोर्ट है जहाँ राणा प्रताप का बर्थ हुआ था, कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ के पास से, कहते ना गढ़ों में गढ़, कुंभलगढ़ गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, तो हालांकि डिस्टेंस काफ़ी, दोनों शब्द दोनों जगह पे काफ़ी डिस्टेंस है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में, लेकिन कमाल के गढ़ है ये, कमाल के किले हैं ये। तो कुंभलगढ़ के पास से रिवर निकलती है और चंबल में राजस्थान में जाके मिल जाती है। ये देखिए ये बनास रिवर, ये चंबल में यहाँ मिल रही है, ये पार्वती, ये काली सिंध, ये है काली, ये है ईस्ट बनास रिवर। ड्राई है बिल्कुल, सूखी हुई है, पानी नहीं है इसमें, जब बारिश है इसमें पानी आ जाता है। फिर है फेमस एक बेतवा रिवर, हम बात कर रहे हैं इसकी, बेतवा की, जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूटरी है यमुना की। अभी चंबल वाली ट्राइब्यूटरी सारी खत्म हो चुकी हैं, अब हम करते हैं यमुना की अलग ट्राइब्यूटरी। अभी तक हम कर रहे थे यमुना की ट्राइब्यूटरी, चंबल जो थी, चंबल की इटसेल्फ जो ट्राइब्यूटरी से भी वो डिस्कस हम कर रहे थे। अब ये बेतवा, तो बेतवा रिवर जो है विंध्याचल रेंज से निकलती हैं और मध्य प्रदेश से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में जाके, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है, वहाँ जाके मिल जाएंगी यमुना के साथ। अब यहाँ पे दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, एक फेमस प्रोजेक्ट है माता टीला, झांसी के पास एक जगह है ललितपुर यूपी में, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। फिर एक प्रोजेक्ट राजघाट प्रोजेक्ट है चंदेरी के पास, चंदेरी मध्य प्रदेश में जगह है। आपने मूवी अगर देखी हो, एक मूवी थी स्त्री, तो स्त्री मूवी में जो राजकुमार राव की जो मूवी थी, तो वो सब चंदेरी का ही सब सीन दिखाए गए हैं, चंदेरी वाला किला ही दिखाया गया है। तो ऐसे आपको बता दूँ मैं, हिस्टोरिकल प्लेस है चंदेरी। फिर ये है केन रिवर, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है केन, केन बुंदेलखंड रीजन से फ्लो करती हुई जाती है और मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके मिलती है फतेहपुर के पास यूपी में यमुना रिवर से। तो इस पे अब ये डैम है गंगाऊ डैम खजुराहो के पास बुंदेलखंड में, रंगवान डैम, और ये जो आजकल न्यूज़ में है करंट अफेयर्स में वो है दोधन डैम। क्यों ऐसा न्यूज़ में ये, क्योंकि केन और बेतवा को, ये केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं अंडर द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको ऑन बेतवा माता टीला डैम ललितपुर के पास में, ये है दोधन डैम, तो यहाँ पानी स्टोर करेंगे, स्टोर करके पानी को फिर वो दूसरी रिवर में आप डाल देंगे। तो जहाँ पानी ज़्यादा है उससे, जो जिसमें पानी कम है उस रिवर में पानी को फ्लो कर देंगे ताकि पानी की प्रॉब्लम ना हो, उससे फ्लड भी प्रिवेंट हो जाएंगे, ड्राउट्स भी प्रिवेंट हो जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ये कहा जाता है। ये देखिए ये केन रिवर, ये बेतवा रिवर, इन दोनों को ये केन बेतवा लिंक इस तरह से जोड़ने की स्कीम है और इस पर इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झड़ी झंडी मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, गवर्नमेंट भी तैयार है। बट ये एक मेन कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व इस एरिया में, तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, जो कंसर्न जो कही जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये मेन मेन रिवर्स थी हमारी यमुना और यमुना की ट्राइब्यूटरीज। इसके बाद हम करेंगे जो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, फिर उसमें गंगा रिवर सारा ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम इस तरह से वीडियो आपको बनाते रहें, उससे हम थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है उस चीज़ से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।